मेरी वजह से थी, तो इस वजह से फिर मेरी बेटी आपको एडिशनल मार्क में दे दूंगा। ये जिस बेटी ने क्वेश्चन किया है हुईशी आम, वो मिस्टेक हमारी थी, तो इसीलिए तो अगर कुछ बच्चों ने आपको बता दूंगा, लेकिन चैप्टर 9 के रिएक्शन के साथ फिजिकल स्टेट्स को मेंशन करना जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर लिखेंगे तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो फिर मार्क्स की रिडक्शन नहीं होगी। तो मेरी बेटी आई होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। जी बेटी, ये इक्वेशन असल में ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि ये जो बेटी बात करी मिनाहिल जफर, जी बेटा ये रिएक्शन करेक्ट इसलिए नहीं है कि इसमें आपने ब्रोमीन और क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में लिखे हैं, वेयर इज ब्रोमीन एंड क्लोरीन दे डू नॉट एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म, दे एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म एंड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म, तो इसीलिए फिर उसमें, और चूंकि उससे फिर पूरा फिनोमेना चेंज होगा अगर हम वो कोफिशिएंट 2 हटा दें, वो नहीं लिखेंगे, तो आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन के साथ जो पावर एक्सपोनेंशियल पावर हम 2 लगाएंगे वो नहीं आएगा, तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो। इसीलिए एक केमिकल रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए और इसमें एटॉमिक स्टेट एंड मॉलिक्यूलर स्टेट का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो करेक्ट नहीं होगा। जी 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 बेटी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं अलीजा? आप अलीजा बतूल जी, मेरी बेटी बोले आप बतूल सर, आई एम सॉरी, वो मैसेज गलती से होता है, आपको नहीं करना था। अच्छा, कोई बात नहीं मेरी बेटी, अगर आप नहीं होती तो मैंने करना था। जाहिर है हम तो आपको इनकरेज करते हैं कि आप लोग मुझसे कुछ करें, अगर कोई क्वेरी है तो वो मैं करूंगा, तो नो प्रॉब्लम मेरी पे कोई। सर, क्वेश्चन नंबर 3 जो था सेक्शन सी का, ये बी पार्ट में जो कंसंट्रेशन वो पूछा गया था कि इक्विलिब्रियम में क्या नेसेसिटीज होती हैं उसमें रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में रखने की, तो उसमें क्या लिखना था? जी अब मैं समझ गया बेटा, सेक्शन सी का पार्ट बी आप कह रही हैं कि व्हाट आर द आइडियल कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, आर यू आस्किंग अबाउट क्वेश्चन? यस सर। जी मेरी बेटी, तो ये दीज आर द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, के अंडर विच कंडीशंस अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैन अक्वायर इक्विलिब्रियम, और उसमें इक्विलिब्रियम के कंडीशंस थे। अगर आपको बेटा, आप ग्रुप में अगर आपने विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि मैंने 4 पिक्चर सेंड किए थे, जो चीजें रह गई थी तो वो भी मैंने बोर्ड के ऊपर लिख के आप लोगों के साथ कर ली। तो कोई बेटी मुझे बता दे कि आप लोगों ने वो रीड किए थे? जी बेटी समरा मुमताज। सर ये जो एमसीक्यू था जिसमें आपने करेक्ट कराया था सर, उसमें जो पहला पार्ट था उसकी जो इक्वेशन थी वो बैलेंस नहीं थी, तो बैलेंस नहीं होगी तो हम उसकी यूनिट्स तो नहीं निकाल सकता। बेटी उसमें जितने इक्वेशंस थे वो सारे बैलेंस थे मेरी बेटी, मैंने खुद देखे हैं। सर अगर किसी आपको प्रॉब्लम है आप मुझे बता दें, अभी मैं क्लियर कर देता हूँ मेरी बेटी। सर फर्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल्स टू वाटर equals to water and carbon dioxide. What is this? ये तो बस equation गलत होगा बेटा। Sir यही लिखी हुई। नहीं, अगर ये लिखी है तो this equation is incorrect. Yes sir. ये तो sir फिर तो MCQ गलत हो जाता है।
बिल्कुल गलत होगा मेरी बेटी, बिल्कुल गलत होगा, ये तो कभी ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ये फिर रिएक्शन मेरी बेटी, एंड यू विल गेट एडिशनल फॉर इट। ओके सर, अगर ऑप्शन करेक्ट है उसके, जी बेटा, फिर वो ये है कि फिर एडिशनल मार्क्स आपको मिल जाएंगे ना मेरी बेटी। ओके सर, बल्कि अब मैं सुना रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने पहले कर दिया था, तो कुछ बच्चों का जो पहले हुआ था उनकी वजह से अब मैंने यही डिसाइड किया है कि मैं इसके एडिशनल मार्क आपको दे दूंगा। ओके सर। ओके बच्चों, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी स्टूडेंट? अच्छा बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, चैप्टर नंबर 10। इसका टाइटल है एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। सबसे पहले तो बेटा मैं आपको इसका चैप्टर प्रोफाइल बता देता हूं। चैप्टर प्रोफाइल अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस, FBISE रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक जो इस चैप्टर में हमने टॉपिक्स करने हैं वो चैप्टर प्रोफाइल मैंने यहाँ लिख दिया है, और ये मैं बोर्ड डिस्प्ले आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, यानी कहीं अगर आप लोगों में से कुछ बच्चों को फिर बाद में कंफ्यूजन हो या बाद में देखना हो। मैंने कल भी बेटा 4 पिक्चर्स सेंड की थी, यहाँ तक लास्ट टॉपिक तक मैंने केसी एक्सप्रेशन और केसी यूनिट, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम और यूजेस ऑफ केसी या इंपॉर्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ केसी बोर्ड के ऊपर लिख के फिर आपके ग्रुप में शेयर कर दिए थे। तो मैं हर लेक्चर का जो बोर्ड का पिक्चर है वो लेता हूं और फिर वो आपके साथ में शेयर करता हूं। तो इस चैप्टर प्रोफाइल अकॉर्डिंग टू FBISE रिड्यूस सिलेबस, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, फेडरल बोर्ड की तरफ से रिड्यूस सिलेबस आया है, उसमें इस चैप्टर में हमने 3 चीजें करनी है। नंबर 1 कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जिसमें 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, लाउरी एंड ब्रांस्टेड कॉन्सेप्ट, लीवियस कॉन्सेप्ट। तो एक तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस इस चैप्टर में शामिल है अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। सेकंड, पीएच स्केल, एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए, सॉल्यूशन की नेचर को एस्टेब्लिश करने के लिए पीएच स्केल। और थर्ड टॉपिक इसका साल्ट है, साल्ट में साल्ट की डेफिनेशन, साल्ट के टाइप्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, किन मेथड से हम साल्ट्स को प्रिपेयर करते हैं, एंड द यूजेस ऑफ साल्ट्स, साल्ट्स को मुख्तलिफ जगहों पे हम कहां यूज करते हैं। तो ये तो बेटा इसका हो गया चैप्टर प्रोफाइल। अब इनमें बेटा फर्स्ट टॉपिक से हम शुरू करेंगे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस से, और इसमें 3 कॉन्सेप्ट्स आपके सिलेबस में शामिल है, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, लाउरी एंड ब्रांस्टेड, लीवियस कॉन्सेप्ट। आज का हमारा लेक्चर होगा अर्हेनियस कॉन्सेप्ट एंड ब्रांस्टेड कॉन्सेप्ट एंड बेसिस। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का एक कंबाइंड टेक्स्चुअल फाइल है। टेक्स्चुअल फाइल मीन के वो पॉइंट्स, जो फैक्ट्स जो बुक्स में गिवन हो रिलेटेड टू अ टॉपिक, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेक्स्चुअल प्रोफाइल। इन कॉन्सेप्ट्स में हमने क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट इनकी इंट्रोडक्शन बतानी है कि ये कॉन्सेप्ट किस बेस पे एसिड और बेसिस को डिफाइन करता है। फिर इनके पाइनियर्स, साइंस के नेम। ये जो टेक्स्चुअल प्रोफाइल होता है बेटा, तो अगर एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन आता है तो हर पॉइंट के, हर टेक्स्चुअल प्रोफाइल के अपने मार्किंग स्कीम है। तो इसलिए इन चीजों को मैं फिर लिख लेता हूं ताकि आपके माइंड में हो कि अगर आपने अर्हेनियस या ब्रांस्टेड कॉन्सेप्ट के ऊपर नोट लिखना हो तो उसमें ये पॉइंट्स होने चाहिए, इनकी इंट्रोडक्शन, पाइनियर। पाइनियर ऐसे साइंटिस्ट को कहते हैं जो कि कोई कोई एस्पेक्ट डिस्कवर करे या कोई चीज इन्वेंट करे, या साइंटिस्ट को हम कहते हैं पाइनियर। तो इनके पाइनियर्स के नेम्स, फिर डेफिनेशंस ऑफ एसिड एंड बेसिस, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट और ब्रांस्टेड कॉन्सेप्ट के बेस पे एसिड और बेसिस को उन्होंने कैसे डिफाइन किया, उनके एग्जांपल्स, और इन कॉन्सेप्ट्स में लिमिटेशंस। ये दोनों कॉन्सेप्ट लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं क्योंकि ये तमाम एसिड को एक्सप्लेन नहीं करते। अभी स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन अर्हेनियस कॉन्सेप्ट की, इसमें हमने क्या बताना है, इस इंट्रोडक्शन में हमने बताना है अर्हेनियस
described acids and bases on the basis of their ionization in water to produce hydrogen and hydroxide ions. यानी अर्हेनियस ने एसिड्स और बेसिस को कैसे डिफाइन किया? सबसे पहले तो मेरे बच्चों आपको ये मैं बता दूं कि एसिड्स और बेसिस दे आर इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ. जो इंपॉर्टेंट एसिड हम अपने डेली लाइफ में बेटा यूज करते हैं वो तो सिट्रिक एसिड, पाइपलाइन में कोई ब्लॉकेज आ जाए तो उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए उसमें कास्टिक सोडा यूज करते हैं एज अ ड्रेन क्लीनर सॉल्यूशन. तो जितने भी ड्रेन क्लीनर सॉल्यूशंस होंगे दे विल कंटेन सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका ट्रेड नेम है, फेमिलियर नेम है कास्टिक सोडा. एसिड एंड बेसिस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ. अब इन एसिड और बेसिस को सबसे पहले एक स्वीडिश केमिस्ट अर्हेनियस, सेवेंटे अर्हेनियस एक स्वीडिश केमिस्ट थे, उन्होंने एसिड और बेसिस को सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस पे डिफाइन किया. और वो साइंटिफिक बेसिस क्या है? अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस इन एसिड्स और बेसिस को जब हम वाटर में डिजॉल्व करें तो दे प्रोड्यूस आयंस. Acid will provide hydrogen ion and bases will provide hydroxide ions. तो इसकी introduction में एक sentence में हमने ये बताना है कि Arrhenius described acids and bases on the basis of their ionization in water. जब हम इनको water में dissolve करेंगे, they ionize, they split into ions to produce hydrogen ion and hydroxide ion. इसका मतलब ये है कि according to Arrhenius, acid और bases water soluble हैं. और जब हम इनको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये आयंस में स्प्लिट कर जाते हैं. द स्प्लिटिंग ऑफ अ कंपाउंड इनटू आयंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इज नोन एज आयनाइजेशन. तो इनकी वाटर में आयनाइजेशन, इसका मतलब है कि एसिड और बेसिस मस्ट बी वाटर सॉल्युबल अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस उनके मुताबिक. तो इस बेस पे उन्होंने एसिड और बेसिस को डिस्क्राइब किया कि व्हेन दे आर डिजॉल्व इन वाटर दे आयनाइज एंड दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन. एसिड विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन एंड बेसिस विल प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन. अब इंट्रोडक्शन के बाद इसके पायनियर का हम बताएंगे नेक्स्ट टेक्सचुअल पॉइंट. इसका पायनियर कौन है? इसका पायनियर है स्वीडिश केमिस्ट, स्वीडन के केमिस्ट थे स्वीडिश केमिस्ट. और उन स्वीडिश केमिस्ट का नाम क्या था? Svante Arrhenius. Svante Arrhenius जो कि एक स्वीडन के केमिस्ट थे, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले एसिड और बेसिस को साइंटिफिक बेसिस पे डिस्क्राइब किया. ये जो बेस है आयनाइजेशन इन वाटर दैट इज अ केमिकल प्रोसेस, केमिकल फिनोमेना जिसको हम साइंटिफिक फिनोमेना कहते हैं. तो सबसे पहले एसिड्स और बेसिस को अर्हेनियस ने साइंटिफिक बेस पे डिफाइन किया, डिस्क्राइब किया. अब इसके बेस बाद पायनियर बताने के बाद नेक्स्ट क्या है? डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस. सबसे पहले एसिड्स की डेफिनेशन कि व्हाट आर एसिड्स. एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स, एसिड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं, एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आयनाइज इन वाटर, जो वाटर में आयनाइज होते हैं, which ionize in water to produce hydrogen ion. Acid
ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनको हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे एंड दे विल आयनाइज इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस. ऐसे कंपाउंड जिनको हम वाटर में डिजॉल्व करें और वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करें, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एसिड्स. और हाइड्रोजन आयन का अंदाजा आपको इस बात से लगता है कि अगर आपने इनको फील करना हो तो आप अपनी जबान के ऊपर लेमन ड्राफ्ट, लेमन जूस के 2-3 कतरे डाल दें, फौरन आंखें बंद हो जाती हैं. ये जो अजीब किस्म की फेस आप लोग बनाते हैं, ये उसके खट्टे जायके की वजह से, ये जो सार टेस्ट है. तो लेमन जूस में हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन मौजूद होती है, हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट करते हैं जब हम जबान के ऊपर डालते हैं, तो टेस्ट बड्स के अंदर जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं उनके साथ हाइड्रोजन आयन सडनली रिएक्ट करते हैं और वो सेंसेशन इतनी फास्ट होती है कि हमारी आंखें ही बंद हो जाती हैं और मुंह की एक अजीब गरीब शेप बन जाती है. तो ये हाइड्रोजन आयंस हैं जिनको आप लोग फील कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, एसिड्स आर दोस कंपाउंड व्हिच आयनाइज इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन. ये ऐसे कंपाउंड है जो वाटर में आयनाइज होके हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेंगे. अब एग्जाम्पल के तौर पर हम एक रिएक्शन लेंगे. एक गैस है हमारे पास, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl. इसके साथ फिजिकल स्टेट में लिखूंगा क्योंकि यहां हम मेंशन करते हैं कि दे आयनाइज, दे आर वाटर सॉल्युबल. तो हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, इसको जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो इट स्प्लिट्स इनटू आयंस. और वो आयंस कौन से हैं? हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयंस. क्योंकि ये वाटर में डिजॉल्व हुआ इसलिए इस रिएक्शन को, यानी इस एग्जांपल को जब हम बताएंगे तो इसमें हम इनका फिजिकल स्टेट बताना जरूरी होगा. हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इट इज एन एसिड. हाउ कैन वी से इट? वी से वी कॉल इट एन एसिड बिकॉज दिस कंपाउंड व्हेन डिजॉल्व्स इन वाटर इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन, जो इस डेफिनेशन की जस्टिफिकेशन है. इक्वेशन या रिएक्शन या एग्जांपल आप ऐसे देंगे जो आपकी उस डेफिनेशन की जस्टिफिकेशन दे. ये तो एसिड की डेफिनेशन हो गई. अब बेसिस की क्या डेफिनेशन है? बेसिस आर दोस कंपाउंड्स विच आयनाइज इन वाटर, जो वाटर में आयनाइज हो जाते हैं, विच आयनाइज इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस. ये वाटर में आयनाइज होते हैं एंड व्हाट दे डू, दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस. अगर एक कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व होके हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगा, प्रोड्यूस करेगा, तो वो एसिड होगा. और अगर एक कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व होके हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा तो इट विल बी अ बेस. अब इसमें भी हमने एक एग्जांपल देना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड स्टेट में. जब इसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, आप रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन लिखेंगे, साथ ऊपर आप लिखेंगे H2O. तो ये वाटर में आयनाइज होके आयंस में स्प्लिट होगा, सोडियम आयन प्रोवाइड करेगा और हाइड्रोक्साइड आयंस. यहां फिजिकल स्टेट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड है, सोडियम आयन एक्वस फॉर्म, यानी वाटर में डिजॉल्व हो गए हैं, OH हाइड्रोक्साइड वाटर में डिजॉल्व हो. तो इस एग्जांपल ने जस्टिफिकेशन कर दी हमारी इस डेफिनेशन की कि ऐसे कंपाउंड जो वाटर में आयनाइज होके हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करेंगे तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड होगा HCl. एक साइड से वाटर के मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दूसरे साइड से भी वाटर के मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करेंगे लेकिन पॉजिटिव हाइड्रोजन